हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 360 सीआरपीसी। ये चैप्टर 27 सीआरपीसी का सीरीज है और आज के एपिसोड में हम लोग सेक्शन 360 को कवर करेंगे। और आज का जो सेशन है सेक्शन 360 पे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में सेक्शन 360 से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सीआरपीसी पेपर पे। तो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए तो ही बेहतर रहेगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स चैप्टर 27 का मिस किया है, दैट मींस सेक्शन 353 से 359 तक, तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के सेशन को शुरू करें, आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि वो सेक्शन कहना क्या चाहता है, मींस टू से कि उस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलेवेंट लैंडमार्क जजमेंट में बताया था कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 360 है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो वो केस क्या है पहले आपसे नोट करो, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लेक्चर को थोरोली देखो, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कि अपने पास जिस भी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चल रहा है उसका बेरेट आपको अपने पास रखना है, नोटबुक रखना है, और थोरोली जब आप लेक्चर को देख लो तो आप खुद का नोट कंप्लीट कर लो, बना लो उसी वक्त, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक पे वो क्लियर रहे हमेशा। आप एक बार में बात को समझ जाओगे अगर आप ऐसा करते हो, मेरी बातों को मानते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्शन 360 का उद्देश्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा। तो जजमेंट है पहला कि जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ तौर पे कि उद्देश्य सेक्शन 360 सीआरपीसी का बस इतना सा है कि यह इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जो फर्स्ट ऑफेंडर है जिसने अपराध पहली बार किया है, या जो यंग ऑफेंडर है जिसका आयु कम है, जो अपराध के क्षेत्र में कदम रखे ही हैं, उन लोगों को कंपनी नहीं मिले वैसे ऑफेंडर का जो अपने आपराधिक क्षेत्र पे चरम सीमा पे है, कुख्यात है। तो इसलिए इस प्रावधान को जोड़ा दिया ताकि कुछ शर्त है जिसको पूरा करने पे वैसे फर्स्ट ऑफेंडर को या यंग ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाए, लास्ट वार्निंग देके कह लो आप, या उनके कुछ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसको रिलीज कर देगी बिना सजा सुनाए हुए, या कुछ टाइम पीरियड के लिए उसकी सजा पे प्रतिबंध लगाते हुए उसको रिलीज कर देगी। तो ये है मूलतः ऑब्जेक्ट सेक्शन 360 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में कहा। अब आइए समझते हैं प्रोविजनली सेक्शन 360 क्या कहता है, क्योंकि अगर आपका बेयर एक्ट पे पकड़ नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स में मार्क अच्छा नहीं उठेगा, क्योंकि आप किसी भी ऑथर को अगर सुनोगे और किसी भी लेक्चरर्स को सुनोगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट जो सुनने को मिलता है कि आपको बेयर एक्ट पे पकड़ बनाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, और ये पकड़ आपका तभी बनेगा जब आप बेयर एक्ट को थोरोली और कंटिन्यूअसली देखते रहोगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बेयर एक्ट अपने पास रखो और प्रोविजनली बात को समझो कि हर सेक्शन के सब सेक्शन में क्या कहा जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कि आपको किसी भी सेक्शन को अच्छे से समझना है तो उसके सब सेक्शन वन को, जो पहला सब सेक्शन है, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि हर एक सब सेक्शन दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक चेन बनता है, ये आप नोट करो, ध्यान में रखना। तो देखो सब सेक्शन वन क्या कहता है, सेक्शन 360 का जो सब सेक्शन वन है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका एज 21 वर्ष है या फिर 21 वर्ष से अधिक है, लेकिन आप बेयर एक्ट के लैंग्वेज को देखोगे तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष के नीचे का नहीं है,
21 वर्ष के नीचे का नहीं है कोई व्यक्ति, दैट मीन्स टू से उसका एज 21 वर्ष है या फिर वो 21 वर्ष से अधिक का है, और ऐसे व्यक्ति को अगर कन्विक्ट किया गया है उन अपराधों के लिए जो पनिशेबल है विथ फाइन या विथ इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 7 ईयर या लेस देन 7 ईयर, या अगर वो व्यक्ति का एज 21 वर्ष से नीचे का है, या वो व्यक्ति एक वुमेन है और उनको अगर कन्विक्ट किया गया है उन अपराधों के लिए जो पनिशेबल नहीं है विथ डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में जो ट्रायल कोर्ट है वो पहला ये देखेगी इन व्यक्तियों के खिलाफ इन अपराधों के पहले किसी अन्य अपराध का अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो व्यक्ति इनका जिक्र किया गया है पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में, इन व्यक्तियों को अगर पहले किन्हीं अपराधों को लेके कन्विक्शन नहीं हुआ, दैट मीन ये व्यक्ति अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, तो उसके बाद अगर ट्रायल कोर्ट को लगा कन्विक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, वो फैक्टर क्या है, तो ऑफेंडर का एज, ऑफेंडर का कैरेक्टर, किस प्रवृत्ति का ऑफेंडर, ऑफेंडर का एंटीसिडेंट, ऑफेंडर का बैकग्राउंड क्या है, ऑफेंडर ने किन परिस्थिति में अपराध किया है, इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर ट्रायल कोर्ट को लगा कन्विक्ट करने के पहले कि ये उचित होगा कि ऑफेंडर को, या ऑफेंडर मीन्स टू से ये दो व्यक्ति जो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में जिसका जिक्र हुआ है, कि ये उचित होगा कि उस ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाए, किस आधार पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, इस ग्राउंड पे कि वो अपना व्यवहार सही रखेंगे, समाज में सही तरीके से रहेंगे, इस आधार पे उसको रिलीज कर देगी ट्रायल कोर्ट, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर। लेकिन इस ग्राउंड पे, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, रिलीज करने के पहले ट्रायल कोर्ट ये कहेगी ऑफेंडर को कि आपको जब सजा सुनाया जाएगा उस वक्त आपको उपस्थित रहना है कोर्ट में, इस बात के लिए, और दूसरा कि आप समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखोगे, गुड बिहेवियर रहेगा आपका इस बात पे भी, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर रिलीज करने से पहले ट्रायल कोर्ट ऑफेंडर को कहेगी कि आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, और ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा ये विद सियोरिटी भी हो सकता है या विदाउट सियोरिटी भी हो सकता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे निर्भर करता है, वो कैसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना चाहता है कोर्ट। और ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा ये बॉन्ड वैलिड रहेगा 3 वर्ष तक ही, इस बॉन्ड से ऑफेंडर बाध्य रहेगा 3 वर्ष तक ही। तो ये हो गया होल एंड सोल सबसेक्शन 1 का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं कि प्रोविजो क्या कहता है सबसेक्शन 1 का। प्रोविजो सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट इंपावर्ड नहीं है हाई कोर्ट के द्वारा कि वो कार्रवाई करे सेक्शन 360 के तहत सीआरपीसी का, लेकिन सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि वो इंपावर्ड है, तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैसे प्रोसीड करेगा, तो वो करेगा क्या कि वो अपना ओपिनियन कि उसको किस ग्राउंड पे यह लगता है कि वो एम्पावर्ड है टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। उसके बाद या तो एक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, या फिर उस एक्यूज से, या ऑफेंडर भी कह सकते हो आफ्टर कन्विक्शन, कि उस ऑफेंडर से वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कहेगा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करो इस बात के लिए कि आपको अपेयर होना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष। प्रोविजो सबसेक्शन 1 इतना ही कहता है, जैसे वो ऑफेंडर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपेयर होगा उसके बाद जेएम फर्स्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी ये आपको बताएगा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि जैसे ऑफेंडर अपेयर हुआ या लाया गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तो फर्दर एविडेंस का निर्देश देगी प्रोसिक्यूशन या डिफेंस लॉयर को, या फिर फर्दर इंक्वायरी का भी निर्देश दे सकती है,
और उस केस में उस तरीके से ही कार्रवाई करेगी कि मानो केस उसके कोर्ट में ही पहले दर्ज हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में ही पहले केस दर्ज हुआ है, कुछ इस प्रकार से ही आगे बढ़ेगी उस केस में भी, और जो भी उचित सेंटेंस होगा वो पास करेगी। तो ये हो गया सबसेक्शन टू। अब आते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन थ्री का। सबसेक्शन थ्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, सबसेक्शन थ्री भी ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनो। सबसेक्शन थ्री कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हुआ उन अपराधों के लिए जो है थेफ्ट या चीटिंग या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, ऐसे अपराधों के लिए अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो रहा है या उन अपराधों के लिए कन्विक्ट हो रहा है जो पनिशेबल है विथ नॉट मोर देन 2 ईयर इंप्रिजनमेंट, उन अपराधों के लिए जिसका सजा 2 वर्ष अधिक का कारावास नहीं है, या ऐसे ऑफेंस के रिस्पेक्ट में कन्विक्ट हो रहा है जिसका सजा सिर्फ फाइन है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड नहीं होता, दैट मीन्स कि अगर यह व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखेगी, वही फैक्टर जो सबसेक्शन 1 में बताया गया था, एज, कैरेक्टर, एंटीसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस अंडर विच ऑफेंसेस आर कमिटेड। तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद कोर्ट रीच कर देगी ऑफेंडर को आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है जुडिशियल वार्निंग, उसको वार्निंग पे छोड़ देगी। यह है आपको सबसेक्शन 3। अब थोड़ा सा आगे बढ़े उसके पहले आप एक चीज और नोट करो कि जो प्रोविजन हम लोग जिक्र कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा फर्स्ट ऑफेंडर के केस में, एप्लीकेबल होगा फर्स्ट ऑफेंडर के केस में ही। फर्स्ट ऑफेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अपराध पहली बार ही किया है, उस अपराधी के रिस्पेक्ट में लगना चाहिए सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को कि वो कार्रवाई कर सकता है, जबकि वो एम्पावर्ड नहीं है हाई कोर्ट के द्वारा, तभी जाके प्रोविजन सबसेक्शन 1 फॉलो होगा। ये आप ध्यान देना, ये छूट गया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 कहता है कि जो पावर ट्रायल कोर्ट को मिला है सबसेक्शन 1 के अनुसार, वो पावर अपीलेट कोर्ट को भी है और रिविजनल कोर्ट को भी है। अब आगे बढ़िए, बात करते हैं सबसेक्शन 5, 4 के बाद सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो भी आदेश पास हुआ है सबसेक्शन 1 के अनुसार ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस आदेश को सेट असाइड करने के बाद अपील या रिविजन के केस में ऑफेंडर को अपराध के संदर्भ में सजा सुना सकती है, लेकिन वो सजा अधिक नहीं होना चाहिए उस सजा से जो सजा ट्रायल कोर्ट पास कर सकता था। ये आप ध्यान देना, ये सबसेक्शन 5। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 6 का। सबसेक्शन 6 कहता है कि जिन सियोरिटी का जिक्र किया गया है सेक्शन 360 में, उस सियोरिटी पे भी, उस सियोरिटीज पे भी अप्लाई होगा सीआरपीसी का जो प्रावधान है सेक्शन 121, सेक्शन 121, सेक्शन 124, 124 और सेक्शन 373। ये है सबसेक्शन 6। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 7 का। सबसेक्शन 7 कहता है कि चाहे ट्रायल कोर्ट हो, रिविजनल कोर्ट हो, अपीलेट कोर्ट हो, ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले इस बात से सुनिश्चित खुद को करेगी कि ऑफेंडर का या सिक्योरिटीज का फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए, अबॉर्ड का रहने का अस्थाई जगह होना ही चाहिए ऑफेंडर या सिक्योरिटीज का, इस बात को भी कंसिडर करेगी कोर्ट। यह है सबसेक्शन 7। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 8 का। सबसेक्शन 8 कहता है कि अगर कोर्ट को, कोर्ट मीन्स टू से ट्रायल कोर्ट भी हो सकता है, अपीलेट कोर्ट भी हो सकता है, रिविजनल कोर्ट भी हो सकता है, इन केस ऑफ ट्रायल, ट्रायल कोर्ट, इन केस ऑफ अपील, अपीलेट कोर्ट, इन केस ऑफ रिविजन, रिविजनल कोर्ट, तो कोर्ट को अगर लगा कि जिस ग्राउंड पे, जिस कंडीशन पे ऑफेंडर को रिलीज किया गया था, ऑफेंडर ने उस कंडीशन को ब्रीच किया है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, उस ऑफेंडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करेगी। यह है सबसेक्शन 8। और जैसे ऑफेंडर अरेस्ट होगा उस वारंट के आधार पे और बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या प्रक्रिया फॉलो करेगी ये बताता है सबसेक्शन 9। तो जैसे अक्यूज अरेस्ट हुआ, बिफोर कोर्ट लाया गया, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, या तो उसको रिमांड कर देगी कस्टडी, कस्टडी मीन्स टू से यहां पर जुडिशियल भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है,
या फिर उसको ग्रांट कर देगी बेल और बेल पे रिलीज कर देगी। तो ये है सबसेक्शन 9। बात करते हैं अंतिम सबसेक्शन, सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 कहता है कि जो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 360 में सीआरपीसी का, इसका कोई प्रभाव नहीं है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 या चिल्ड्रंस एक्ट 1960 पे। मतलब यह हुआ कि जो सेक्शन 360 का प्रावधान है वो लागू नहीं होता है, ना ही प्रभावित करता है इन दो एक्ट को, इन दो कानून को, जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 या चिल्ड्रन एक्ट 1960। तो ये हो गया होल एंड सोल कंसेप्ट सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, जो काफी महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में सेक्शन 360 के हर एक सबसेक्शन में कही गई बातों को सरलता से सिंपल लैंग्वेज में समझा। मैं अंततः आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो आप लाइक करो, अपने स्टडी लेडी ग्रुप में शेयर जरूर करो, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो और मुझे अपना समस्या बताओ, मैं आपकी हर एक समस्या का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।